जय श्री कृष्णा बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या थे, तरह तरह के जो वेक्टर्स होते हैं उनके प्रकार देखे थे, भांति भांति के जो वेक्टर होते हैं उनके बारे में बताया था। तो आज हम लोग जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट, लास्ट क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट वेक्टर मैंने आपको बताया था वो बताया था आपको यूनिट वेक्टर, उसी तरह से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोजिशन वेक्टर के बारे में। पोजिशन वेक्टर क्या होता है? पोजिशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की पोजिशन का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। पोजिशन का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहता हूं कि भाई कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कि कोई एक शहर है, शहर का नाम मान लीजिए दिल्ली है, तो मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली की पोजीशन क्या है, तो दिल्ली की पोजीशन बताने के लिए आप तो बताएंगे कि भाई पोजीशन आप कहां से ढूंढना चाह रहे हैं। बॉम्बे से दिल्ली की पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो अलग आएगी, हाँ, कोटा से दिल्ली की पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो अलग आएगी, न्यूयॉर्क से दिल्ली की पोजीशन अलग आएगी। तो सबकी पोजीशन जो है वो पोजीशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप मेजर कहां से कर रहे हो, मेजरमेंट किस जगह से कर रहे हो। तो पोजीशन नापने के लिए आपको एक टर्म की जरूरत पड़ती है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। और पोजीशन नापने के लिए हमें इस टर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, हम इसकी पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो पोजीशन की डेफिनेशन यही है कि ओरिजिन से गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ओरिजिन से गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर है, लिखते हैं इसे, इट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन विद द पॉइंट। ओरिजिन को गिवन पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। और आपको जो याद करना है बिल्कुल एकदम अच्छे से, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, हमेशा ओरिजिन से दूर की तरफ होता है, ओरिजिन से अवे होगा। तो ये दिमाग में रहे, इट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन विद द पॉइंट, ये तो एकदम क्लियर बात है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से अवे होता है। लिख लेते हैं इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका डायरेक्शन जो होता है वो ओरिजिन से दूर की तरफ होता है, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो पोजिशन वेक्टर होता है, जैसे मान लिया जाए इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता था, वाई का जे कैप होता था, तो इसका जो पोजिशन वेक्टर आएगा वो पोजिशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। तो अगर उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दे दिए गए तो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसकी फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है, हर चैप्टर में लगभग जरूरत पड़ती है, जहां जहां वेक्टर आएंगे वहां वहां पे पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है। पोजीशन वेक्टर से मिलता जुलता एक दूसरा वेक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हिंदी में इसका नाम होता है विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कहते हैं इसको। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम दिखाते हैं वेक्टर एस से, इसका जो सिंबल है उसको हम वेक्टर एस से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में या जो रिपीटर बच्चे हैं, जो टारगेट के बच्चे हैं, उन्होंने 11th 12th में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। हम इसी को थोड़ा वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल शुरू में यहां पे था, इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर आ गया, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट विद द फाइनल पॉइंट। ये यहां से पार्टिकल चला, कैसे भी चला हो, ऐसे गया हो, उड़ के गया हो, ठीक है, अंदर से दीवार से घुस के यहां आया, कैसे भी गया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको मैं नोट लिख रहा हूं, इट इज वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट विद फाइनल पॉइंट, इट इज वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट विद फाइनल पॉइंट। ये जो वेक्टर है
ये ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाता है और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसका जो डायरेक्शन है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए मैं इसकी वैल्यू भी निकाल के आपको बता रहा हूं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जैसे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट का पोजिशन वैक्टर था आर आई, फाइनल पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर था वो आर एफ था, और ये डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है। तो अगर आप देखें, मुझे मान लेते हैं ओरिजिन से यहां जाना है, तो एक तो तरीका है मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे चला जाऊं, या मैं डायरेक्ट चला जाऊं। तो मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि वेक्टर आर आई प्लस वेक्टर एस इज इक्वल टू आर एफ। मुझे यहां जाना था, मैं ऐसे गया, या मैं सीधे भी चला गया, ऐसे भी जा सकता हूं। तो वेक्टर आर आई प्लस वेक्टर एस इज इक्वल टू आर एफ, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेक्टर एस इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। जो वेक्टर एस है ये पोजीशन का चेंज भी है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का जो चेंज होता है उसे भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर से दोबारा आएगा, फिर वहां इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ वेक्टर के तरह तरह के टाइप बता रहे हैं, इसके बारे में तो हम बहुत बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे वेक्टर्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। डिवीजन वेक्टर का डिफाइन नहीं होता, वेक्टर को डिवाइड नहीं करते, जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीज वेक्टर के डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है ये आपको सिखाने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को किस तरह से जोड़ा जाएगा ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड होते हैं, पहला मेथड जो होता है वो ट्रायंगल मेथड कहा जाता है, और दूसरा मेथड जो होता है वो पैरेललोग्राम मेथड कहा जाता है। ये दो मेथड्स होते हैं, कहने को दो मेथड है लेकिन वास्तव में एक ही मेथड होता है, दोनों में ही मतलब बातें एक ही होती है, लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दो मेथड है दोनों मेथड भी आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। तो पहला जो है वो ट्रायंगल मेथड जो है, ठीक है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ट्रायंगल मेथड सिखाने जा रहा हूं। पहला मेथड है ट्रायंगल मेथड, ठीक है। ये ट्रायंगल मेथड क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर से मुझे इनको जोड़ना है, ये एक वेक्टर हो गया मान लीजिए ए, ये एक वेक्टर ए हो गया, ये मान लीजिए दूसरा वेक्टर बी हो गया। अब अगर हमें दो वेक्टर्स को जोड़ना है, मान लीजिए ए और बी को जोड़ना है, तो ए प्लस बी को मैं वेक्टर आर लिखूंगा, रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट जो होगा दोनों का जो समेशन होगा उसको मैं वेक्टर आर लिखूंगा, और वेक्टर आर ए प्लस बी के बराबर होगा। अब जोड़ना है तो जो पहला वेक्टर होता है, जैसे ए प्लस बी मैं लिख रहा हूं, तो पहला वेक्टर मान लिया मैंने ए हो गया, तो पहला वेक्टर का जो हेड है उससे दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया जाता है। जैसे ये पहला वेक्टर है, मैं अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूं इनको, मान लीजिए पहला वेक्टर यहां था, तो पहला वेक्टर मैंने ए बना लिया, ए की हेड से मैं बी की टेल को ज्वाइन कर दूंगा, ए के हेड से मैंने बी की टेल को ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन कर लिया, और मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किया। उसके बाद ए और बी दो ही थे, दो ही साइड थी ट्रायंगल की, तीसरी साइड मैंने कंप्लीट कर ली, तो ये जो तीसरी साइड होगी यही तीसरी साइड रिजल्टेंट होगी, ठीक है। फिर से समझिएगा मेथड क्या है, अगर हमें ए और बी को जोड़ना है तो ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, और ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा ना वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। रिजल्टेंट की पहचान क्या है, रिजल्टेंट की पहचान है ये होता है हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या,
देखें रिजल्टेंट को देखें तो इसका हेड बी के हेड से मिला और इसका टेल इसके टेल से मिला हुआ है। तो तीन ट्रायंगल में अगर आपको रिजल्टेंट पहचानना है तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इज हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन। तो ट्रायंगल मेथड ये होता है कि किसी एक के हेड से पहला वेक्टर जो है उसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी रिजल्टेंट। तो ये पूरी बात ठीक है, मैं आपको मतलब नोट भी कर देता हूं यहां पर। To find the resultant vector R, we connect the head of vector A with tail of vector B. To find the resultant vector R, we connect the head of vector A with tail of vector B and then complete the triangle. To find the resultant vector R, we connect the head of A with tail of vector B and then complete the triangle. आगे इसमें लिखेंगे हम लोग द रिजल्टेंट इज ए हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन। रिजल्टेंट इज ए हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन। रिजल्टेंट की जब भी आपको ट्रायंगल में पहचान करनी है तो रिजल्टेंट हमेशा हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो भी रिजल्टेंट होगा उसका हेड एक वेक्टर के हेड से मिलेगा और जो उसका टेल होगा वो दूसरे के टेल से मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। अगर हमें ए और बी को जोड़ना था तो ए के हेड से बी के टेल को मिला दिया, ए के हेड से बी के टेल को मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कई सारे सवाल कई बार बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें रिजल्टेंट की पहचान करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, ये मान लिया वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और आपसे कोई कहता है कि भाई इसके अंदर रिजल्टेंट की पहचान करो। तो अगर इसके अंदर रिजल्टेंट की पहचान करने के लिए पूछता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप इन तीन वेक्टर में देखेंगे तो देखें ध्यान से, तो सी का हेड बी के हेड से मिल रहा है और सी का टेल ए के टेल से मिल रहा है तो रिजल्टेंट हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होता है। और जो वेक्टर सी है अगर देखें तो सी का हेड बी के हेड से मिला और सी का टेल ए के टेल से मिला तो सी रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब यह है कि जो भी रिजल्टेंट होगा वो हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा। अब जैसे ए में देखें तो ए का हेड बी के टेल से मिल गया तो ये रिजल्टेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्टेंट अगर होता तो वो हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होता। ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन होता तो वेक्टर सी जो आएगा वेक्टर ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। और देखें एक और मैं चलिए सिचुएशन दे रहा हूं, मान लीजिए कुछ इसी टाइप का है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ठंडे दिमाग से सोच के पहचानो कि कौन सा रिजल्टेंट होगा, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन इसमें से है कोई। बिल्कुल है, देखें सी को ध्यान से, ए को ध्यान से देखें, ए का टेल सी के टेल से मिल रहा है, नहीं ये नहीं है तो ए नहीं है सी है। देखें ए का टेल सी के टेल से मिल रहा है और सी का हेड बी के हेड से मिल रहा है तो सी जो है वो हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस बार भी सी रिजल्टेंट हो गया तो सी जो आएगा वो ए प्लस बी आ जाएगा। यानी नाम से मतलब नहीं कि ए कौन है बी कौन है, जो भी हेड हेड टेल टेल कॉम्बिनेशन बनेगा वही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो जैसे वेक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं तो वेक्टर आर ए प्लस बी आता है। अब ये आर की वैल्यू ए और बी से किस तरह से रिलेटेड होती है ये मैं सिखाने जा रहा हूं। जैसे सपोज करिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो
ए और बी के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है तो याद करें ए को मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, जब दोनों की टेल टेल मिल जाएंगी तो ए और बी के बीच का एंगल मिल जाएगा, तो ए और बी के बीच का ये वाला एंगल होगा। अगर मुझे निकालना है तो दोनों के टेल टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ए को मैं ऐसे यहां से पकड़ के यहां लाऊं तो ये एंगल इनके बीच हो जाएगा। तो खैर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और ये वाला जो वेक्टर था इसको हमने बोला था वेक्टर आर। अब वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो रिलेशनशिप है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो था वो ए प्लस बी था, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप आता है वो रिलेशन में लिखता हूं, वो रिलेशनशिप ये आता है, मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये इनका इक्वेशन बन जाता है। मॉड आर का मतलब आर का मैग्नीट्यूड, मॉड ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, तो ये सबके मैग्नीट्यूड हो गए। कई बार ये पूरा पूरा इतना बड़ा मॉड आर लिखने के बजाय इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जहां पर ये ए और बी जो है ये मैग्नीट्यूड है, मतलब एकदम सही तो एक्सप्रेशन ये है लेकिन हम लोग इसको इस तरह से याद करते हैं। तो आर ए और बी में ये रिलेशन आता है, इस तरह का रिलेशन आर ए और बी में आता है। और यहां पर एक एंगल हम देख रहे हैं कि अल्फा, अल्फा जो है वेक्टर ए से बनाने वाला एंगल है, तो टैन अल्फा की वैल्यू, यहीं पर एक फार्मूला और बनेगा, टैन अल्फा होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये टैन अल्फा की वैल्यू आती है, ये इनका फार्मूला होता है। मैं डिराइव करने जा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि ये मैं ऐसे छोड़ दूंगा, ये डिराइव भी करूंगा मैं, ये टैन अल्फा कहां से आया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा। आर जो है वो रिजल्टेंट है और अल्फा वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच बनने वाला एंगल है, ए और आर के बीच जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। अब इसको मैं डिराइव करने जा रहा हूं, तो इसका डेरिवेशन मैं करूंगा, तो जैसे मैंने इस पॉइंट को मान लीजिए ओ मान लिया, इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया, ये मान लिया एम है, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया, इसको मैंने एम मान लिया। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखा जाए, तो ट्रायंगल ओ एम क्यू, ट्रायंगल का नाम है ओ एम क्यू, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर जो आएगा, ओ क्यू का जो स्क्वायर आएगा ये बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, यहां से इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, और ओ क्यू जो है ओ क्यू ये ओ क्यू जो है बेसिकली ये आर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ओ एम की जगह मैं लिख सकता हूं ओपी प्लस पीएम, ये ओ एम जो आपको दिख रहा है इसकी जगह मैं ओपी प्लस पीएम लिख सकता हूं प्लस एम क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो पी क्यू था ना ये बी के बराबर था, पी क्यू की वैल्यू जो है पी से क्यू की वैल्यू बी के बराबर है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये बी कॉस थीटा आएगी, और ये वाली वैल्यू जो आएगी ये बी साइन थीटा आ जाएगी। तो ये चीज जो है, ये वाली जो भी चीज है ये बी कॉस थीटा आ जाएगी, ये पीएम जो है इसको हम बी कॉस थीटा बोलेंगे और क्यूएम को हम बी साइन थीटा बोलेंगे। तो आप देखिए ओपी कितना है, ओपी जो है ओ से पी तक ये ए के बराबर है, पीएम जो है बेस वाला जो होता है कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और एम क्यू जो है वो बी साइन थीटा हो जाएगा, याद है ना। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो आर स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो अब ये जो वैल्यू आएगी यही रिजल्ट आ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये फार्मूला आ गया। अब टैन अल्फा देखें, टैन अल्फा अगर मैं इस ट्रायंगल
ओ एम क्यू में टैन अल्फा देखूं तो टैन अल्फा किसके बराबर होता है, टैन अल्फा होता है हाइट अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल ओ क्यू एम में जो हाइट आएगी वो ये वाली दूरी आ गई, ये वाली दूरी है बी साइन थीटा, टैन अल्फा मैं अलग से यहां लिख दे रहा हूं। अगर मैं इसी के अंदर टैन अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो टैन अल्फा, ये वाला ट्रायंगल देखिए ओ एम क्यू, इस ट्रायंगल में जो टैन अल्फा आएगा वो आ जाएगा हाइट अपॉन बेस, हाइट की वैल्यू आ गई क्यू एम और बेस आ जाएगा ओ एम। अब क्यू एम जो है क्यू एम जो आएगा वो अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया बी साइन थीटा अपॉन ओ एम जो आएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो टैन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी, ये टैन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये इस तरह से हम टैन अल्फा निकाल लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ गया और रिजल्टेंट जो आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे थीटा की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए कि मैं इस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ये तो बातें यहां तक आई गई, थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू में सॉरी थीटा नहीं आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो अगर मैं आर की सबसे बड़ी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे थीटा को सबसे कॉस थीटा को सबसे बड़ा करना पड़ेगा। कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और वो तब होती है जब थीटा 0 है। तो अगर थीटा 0 हो गया तो आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू आर मैक्स, अगर थीटा 0 है तो आर आर मैक्स के बराबर हो जाएगा। अब मैं ये आर की वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा आर मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 0 थीटा, मतलब थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, या आर मैक्स की जो वैल्यू आएगी ये बराबर हो जाएगी, मतलब आर मैक्स का स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया तो आर मैक्स जो आएगा ये आ गया ए प्लस बी। तो दो वेक्टर ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है वो ए प्लस बी के बराबर आ सकती है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे और वो तब आएगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। तो थीटा 0 का मतलब यही तो हुआ ना, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, तो अगर ये दो वेक्टर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो अगर ये दोनों के बीच थीटा तभी 0 होगा ना जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आ जाएगा। सबसे बड़ा रिजल्टेंट तभी आएगा जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल आएंगे। इसको आप ऐसे समझ भी सकते हैं जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसको कोई खींच रहा है इधर 10 न्यूटन से और दूसरा फोर्स जो 15 न्यूटन है वो भी अगर उधर ही लगा दिया जाए, दोनों पैरेलल ही है वो भी उधर ही लगा दिया जाए, तब ये दोनों सिंपल जो है 25 न्यूटन हो जाएंगे जुड़ के, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। मान लीजिए मैं 15 न्यूटन इधर लगाता 10 इधर लगाता तब तो इनका रिजल्टेंट 5 ही आता ना, तो रिजल्टेंट इनका कम हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 0 होगा या दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। फील करना इस बात को तो ऐसे फील कर सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और उस मैक्सिमम रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है वो ए प्लस बी के बराबर आ जाती है मैक्सिमम रिजल्ट। जैसे अपने पास रिजल्ट आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट है और हम चाह रहे हैं कि आर कम से कम हो जाए, अधिक से अधिक होगा तब तो थीटा 0 था, अगर हम चाह रहे हैं कि आर कम से कम हो जाए तो आर को कम से कम करने के लिए हमें कॉस थीटा को कम से कम करना पड़ेगा और कॉस थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है वो -1 है, यानी आर मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा -1 के बराबर जाएगा। तो हम ऐसा लिखें इफ थीटा इज इक्वल टू 180, क्योंकि cos 180 -1 होता है, थीटा 180 होगा तो r जो है दैट विल बी इक्वल टू r min, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और उस कंडीशन में r स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा -1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगी, r min की जो वैल्यू आएगी जो मिनिमम r आएगा That will be equal to a minus b का होल स्क्वायर, या r min की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग लिखेंगे a माइनस बी। मैं यहां मॉड लगा देता हूं, उसकी वजह ये है, मॉड लगाने की वजह आप समझे कि मॉड लगाने की वजह ये है कि भाई कभी कई बार a b से छोटा हो गया तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए हमने यहां पर मॉड लगा दिया जिससे कि अगर a b से छोटा भी हो जाए तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहे। ठीक है, तो r min जो है a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। अब देखें r की सबसे बड़ी वैल्यू तब आई थी जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे
और आर की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब एक वेक्टर आगे हो एक वेक्टर पीछे हो, यानी दोनों के बीच जो एंगल हो 180 बन रहा हो, एक इधर आ गया इधर एक आ गया, 180 एंगल बनेगा तब आर मिनिमम हो जाएगा। तो आर मिनिमम तब होगा जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में आर मिनिमम होगा, आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। यानी रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा, इसको समझेंगे, ए माइनस बी से तो बड़ी आएगी, लेकिन ये रिजल्टेंट ए प्लस बी से छोटा आएगा, बराबर भी हो सकता है, मान लेते हैं दोनों पैरेलल हैं तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है, और सबसे बड़ी वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, और सबसे छोटी वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है। इसका मतलब क्या है समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ये काम की बात हो गई कि ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच रिजल्टेंट आएगा। अब मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, यहां मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि दो फोर्सेस हैं, पहला फोर्स है 20 न्यूटन का, दूसरा फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन का, ठीक। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तब आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 20 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे और जो नेट आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो अधिक से अधिक जो एफ मैक्स हो सकता है वो 30 हो सकता है, और मिनिमम तब आएगा जब एक आगे लग रहा हो और दूसरा पीछे की तरफ लग रहा हो। 20 आगे लग रहा है 10 पीछे लग रहा है, तो जो एफ मिन आएगा, एफ मिन की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। तो अब जो भी फोर्स आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, वो 30 से 10 के बीच रहेगा। जो रिजल्टेंट की वैल्यू है 30 के पार नहीं जा पाएगी और 10 से कम नहीं हो पाएगी, मतलब जो रिजल्टेंट आता है वो मैक्स, और मैक्स का मतलब अधिक से अधिक वैल्यू, मिन का मतलब छोटी से छोटी वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही ये रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समझाने के लिए था, कोई एग्जांपल लेंगे ये। अब जो वेक्टर्स को जोड़ने के मेथड्स होते हैं, ट्रायंगल मेथड के बाद, इसके बाद ट्रायंगल मेथड के बाद इसके अंदर आता है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। ट्रायंगल मेथड के बाद जो अगला मेथड आता है वो पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम मेथड होता है, ये मेथड क्या होता है एक बार मैं आपको समझा दूं, होता है ये ट्रायंगल मेथड ही है, कोई इसमें नयापन नहीं है, लेकिन नाम अलग है, किताबों में अलग नाम से दिया जाता है, तो मैं दूसरा मेथड जो है वो भी आपको बता दे रहा हूं। पैरेललोग्राम मेथड ये होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे दो वेक्टर्स ए और बी का एडिशन करना है, जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स जो है इनका मुझे एडिशन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पैरेललोग्राम मेथड में, कि वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को मिलाते हैं। पहला काम यह है कि दोनों के टेल टेल मिलाते हैं। ट्रायंगल मेथड में हेड टेल मिलाया करते थे ए और बी का, इसके अंदर दोनों के टेल टेल मिलाते हैं। टेल टेल मिलाने के बाद दोनों वेक्टर को बनाते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेलल भाई ए के पैरेलल यहां पे एक ए बना दिया, इसके पैरेलल यहां पे एक ए बना दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और ये वाला जो डायगोनल होता है यही रिजल्टेंट हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखें तो ट्रायंगल मेथड और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो वेक्टर बी यहां पर है पैरेलल है, तो ये भी तो वेक्टर बी ही होगा ना, ये भी वेक्टर बी होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, लेकिन इसको कई बार पैरेललोग्राम बना के हम लोग करते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स के टेल टेल को मिलाते हैं, टेल टेल को मिलाने के बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो टेल टेल से जा रहा होता है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसमें भी फार्मूला वगैरह तो सब वही बनेगा, आर की वैल्यू तो वही आने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो वो सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन इसमें हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेथड कहता है कि इस मेथड के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर वी कनेक्ट द टेल्स ऑफ द We connect the tails of the two vectors and we connect the tails of the two vectors and complete the parallelogram. We connect the tails of the two vectors and complete the parallelogram. The diagonal through
द टेल टेल कॉम्बिनेशन, डायगोनल थ्रू द टेल टेल कॉम्बिनेशन विल बी रिजल्टेंट. डायगोनल थ्रू द टेल टेल कॉम्बिनेशन विल बी रिजल्टेंट. टेल टेल कॉम्बिनेशन से जो डायगोनल जा रहा है वो रिजल्टेंट हो जाता है. तो पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड में कोई फर्क तो है नहीं. देखो यहां भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आर हो गया. अच्छा, इसके अंदर जैसे टेल टेल को हमने यहां मिलाया था तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, इसी को हम थीटा बोलते हैं. ये वाला एंगल हमने अल्फा बोला था और ये वाला एंगल बीटा बोलेंगे. अल्फा का मतलब रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल, जैसा कि आपको साफ दिख रहा है, और बीटा का मतलब रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल. फार्मूले वगैरह सारे वही रहेंगे. जो आर स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. टैन अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. हाँ, टैन बीटा अगर मुझे निकालना है तो ए की जगह बी आ रहा है ना, तो टैन बीटा अगर निकालना है तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा. टैन बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा. टैन अल्फा जो आया था अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, तो टैन अल्फा में आया था ये ए साइन, टैन अल्फा जब निकाला था तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आया था. तो जब टैन बीटा निकालेंगे तो बीटा तो इस वाले वेक्टर से बनने वाला है ना, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. जहां ए था वहां बी हो जाएगा, जहां बी था वहां ए हो जाएगा. तो ये वेक्टर्स को जोड़ने का पैरेललोग्राम मेथड है. पैरेललोग्राम बना करके इस तरह से वेक्टर को हम लोग जोड़ दिया करते हैं. तो जैसे वेक्टर्स को जोड़ा हमने तो कुछ ऐसे सवाल बनते हैं छोटे छोटे, वो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं. जैसे ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि दो वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो एक 7 मीटर है और दूसरा वेक्टर जो है 10 मीटर है. तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके अंदर जो अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा उनमें से कौन सा नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रिजल्टेंट. तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता है ये पता लगाना है हमें. तो इनमें से रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता इसका पता लगाना है. तो देखो भाई, अधिक से अधिक जो जोड़ आ सकता है इसका, अधिक से अधिक इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने से 10 और 7 मिला के 17 हो सकता है, और कम से कम जो हो सकता है वो 10 माइनस 7 3 हो सकता है. तो जो अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती है वो 17 और कम से कम वैल्यू 3 हो सकती है. तो ये तो हो सकता है, 17 और 3 के बीच कुछ भी पॉसिबल है. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा पॉसिबल नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि डी इसमें पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसको मैं लिखने जा रहा हूं. एक और इसके अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड टेन न्यूटन ईच. इफ द रिजल्टेंट इज टेन रूट थ्री. टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनका मैग्नीट्यूड दोनों का 10 न्यूटन है, एंड इफ उनका रिजल्टेंट अगर 10√3 न्यूटन है तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. टू वेक्टर्स ए एंड बी है मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन. दो वेक्टर हैं ए और बी और उनका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन के बराबर है, और उनका जो रिजल्टेंट आया वो 10√3 के बराबर आया. तो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना. एक मिनट का पॉज लेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे. देखिये मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं. तो जैसे देखिये आर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ये हो जाएगा, इन्होंने बोला कि रिजल्टेंट 10√3 है, तो मैं आर की जगह 10√3 कर दूंगा. तो ये हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 × कॉस थीटा. ये हो जाएगा. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10√3 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 300. 300 इज इक्वल हो जाएगा 200 प्लस 200 कॉस थीटा. आ जाएगा. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी ये 1/2 के बराबर आ जाएगी. ठीक है, जो कॉस थीटा होगा इट विल बी इक्वल टू 1/2. कॉस थीटा 1/2 के बराबर जाएगा तो जो थीटा आएगा
ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। हमने चूंकि रिजल्टेंट दिया हुआ था तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमने रखी, ए बी की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। एक और सवाल मैं यहीं पे जो स्पेस है उसमें करा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए कि वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 मीटर, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो समझ लीजिए कि ये 12 मीटर है, ठीक है, और ए और बी के बीच जो एंगल है यानी थीटा की जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी 120 डिग्री, ए और बी के बीच एंगल जो है 120 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो आपको रिजल्टेंट बताना है, मतलब ए दिया है, बी दिया है, थीटा दिया है और आर की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो अब इस कंडीशन में भाई फार्मूला हमारे पास जो है उसी की प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं, ठीक है, तो आप एक मिनट सॉल्व करके देखिएगा, फिर देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई आर स्क्वायर जो फार्मूला हमारे पास है वो यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला है। ए की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, तो ए जो हो गया वो 10 के बराबर हो गया, बी की वैल्यू कितनी है 12 के बराबर है प्लस 2ab, तो ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 12 और cos 120 अगर आप निकालें, मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं आपको, cos 120 आएगा cos 90 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस साइन 30, इसके नियम में आपको पहले सिखा चुका हूं, माइनस साइन 30 यानी माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो cos 120 माइनस 1/2 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे माइनस 1/2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 144 और ये 2ab, 2 से 2 चला जाएगा और ये माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस 144 माइनस 120, माइनस 120 हो गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस 120 हो जाएगा माइनस 20, 144 माइनस 20 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आर स्क्वायर आ गया, तो सॉल्व करने पर जो आर आएगा अंडर रूट 124 आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए की वैल्यू 10 दे रखी है, बी की 12 दे रखी है, तो 2ab इंटू cos थीटा, cos 120 माइनस 1/2 हो गया था, 2 से 2 चला जाएगा और ये माइनस 120 हो गया इधर, हाँ, और ये तो बी 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये 100 हो गया, तो माइनस 120 सॉल्व करेंगे 244 माइनस 120 तो 124, तो आर रूट 124 के बराबर आ जाएगा। एक और सवाल यहां से आ गया है कि क्वेश्चन ये है कि दो कोई यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए कोई दो यूनिट वेक्टर है ए और बी है, मान लीजिए तो ए और बी का जो सम है, ठीक है, ए और बी को हम जब जोड़ते हैं तो ए और बी का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको ये बताना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, ठीक है, तो अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर है तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो हम फिगर बना के करेंगे और एक ये है कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फार्मूला लगा देंगे, जो हमारा फार्मूला है उसको अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। तो पहले मैं फार्मूले से ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं, फार्मूले से अगर मैं करूंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आता है आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो r की जो वैल्यू आ रही है वो r ab तीनों का मैग्नीट्यूड एक है। यहां पर आपको ये समझना है ना, क्वेश्चन में यही बोला है कि दो यूनिट वेक्टर थे, यूनिट वेक्टर का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, उसका हमने सम किया तो जोड़ने के बाद जो नया वेक्टर आया वो भी यूनिट वेक्टर ही आया, तो यानी तीनों r ab तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, तो अगर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, इस जगह से सॉल्व किया जाए तो cos थीटा जो आएगा That will be equal to minus 1/2. Cos theta minus 1/2 भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, theta कितना हो जाएगा 120 डिग्री, theta 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें हमने प्योर फार्मूला अप्लाई किया, दूसरा इसका जो सब और भी अच्छा तरीका है या इससे अच्छा तरीका है वो एक हम फिगर बना लें, जैसे मान लेते हैं कि पहला वेक्टर ए है
और दूसरा वेक्टर मैंने बी मान लिया, और तीसरा वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों का मैग्नीट्यूड वन है, जितना ये है उतना ये, उतना ये है। क्वेश्चन ने बोला कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर, और जो सम आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो गया। अब आपसे पूछा था ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल टेल को ज्वाइन करना पड़ता है, तो ए को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ए को यहां ले आएंगे, तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, अगर हमें इनके बीच का एंगल निकालना है तो इस तरह से निकाला जाता है। फार्मूले की बात हो गई, और दूसरा है कि फिगर बना के कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हो कि भाई ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड बराबर हो गए ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। अब एक ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो एक आगे बढ़ाओ आप, तो ये 120 के बराबर जाएगा, तो 120 के बराबर इनके बीच का एंगल आ जाएगा। एक ये बात हो गई। एक और सवाल में करने के लिए दे रहा हूं, इसको भी ट्राई करेंगे आप। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो दूसरे वेक्टर का हाफ है। क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सवाल में समझा दे रहा हूं, दो वेक्टर्स है मान लीजिए ए और बी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो भी इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो पहले के परपेंडिकुलर है, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो दूसरे वेक्टर की वैल्यू की आधी है। यानी जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, और दूसरे वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का दूसरे वेक्टर के रिजल्टेंट का आधा है, तो आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बनाना है। आप दो मिनट का पॉज लेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर आप मेरे साथ आकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इसके अंदर देखिए, पहला वेक्टर मैंने ये मान लिया ए, ये पहला वेक्टर ए मान लिया मैंने, दूसरा अब कह रहे हैं कि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो मैंने रिजल्टेंट को इसके परपेंडिकुलर बना दिया, पहला वेक्टर ए हो गया, रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो अब देखो जो बोला गया है वो यहां पर अब आ रहा है, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, और जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो बी की वैल्यू की आधी है। सपोज करो, मान लो मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो साइन थीटा आएगा, अगर आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखोगे तो हाइट अपॉन हाइपोटन्यूज, हाइट की वैल्यू किसके बराबर है, आर का मैग्नीट्यूड है, और हाइपोटन्यूज जो है वो बी है। इन्होंने ये बोला है कि आर जो है वो बी बाई टू है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर, जो दूसरा वाला वेक्टर है, पहले वेक्टर के तो परपेंडिकुलर हो गया, दूसरे वाले के का आधा हो गया, तो मैं आर की जगह बी बाई टू कर सकता हूं, बी बाई टू कर दूंगा, और एक भी यहां पहले से जो बैठा है तो ये 1/2 हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर 30 आया होगा, लेकिन आंसर 30 नहीं, 150 है, क्योंकि ए और बी के बीच का जब आप एंगल निकालेंगे तो ए और बी के बीच एंगल निकालने के लिए आपको ए की टेल से बी की टेल को मिलाना पड़ेगा ना, यहाँ टेल टेल तो मिले नहीं, तो अब आपको ए को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ए और बी के बीच का एंगल जो आएगा वो ये वाला एंगल आएगा, तो अगर ये 30 आया है तो ये एंगल 150 आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच एंगल या रिजल्टेंट से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं उसको कर सकते हैं।